ओके एवरीवन, आज हमारा नया लेसन है इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज नाउन जेंडर। ओके, सो नाउन अभी तक हम लोगों ने काइंड्स देखा है और नाउन का कुछ इससे पहले केस भी देखा, केस नहीं देखा अभी तक, तो अभी हम लोग जेंडर देखेंगे। ओके, नाउ सी द जेंडर नंबर 5, नाउन जेंडर। ऑल लिविंग बींग्स आर आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है, सारे के सारे जितने हम लोग लिविंग बींग्स देखते हैं वो या तो मैस्कुलिन होते हैं या तो फेमिनिन होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग या मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जेंडर टेल्स अस वेदर अ नाउन बिलोंग्स टू द मेल और फीमेल और नाइदर ऑफ द टू। ठीक है, जेंडर हमको ये बताता है कि कोई नाउन मेल है या फीमेल है या दोनों भी नहीं, नाइदर ऑफ द टू, दोनों में से कुछ भी नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड सम एग्जांपल्स देखेंगे। द गर्ल इज सिटिंग इन द पार्क। ठीक है, गर्ल इज सिटिंग इन द पार्क, हियर द बोल्डेड लेटर इज गर्ल। द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द डोर, बोल्ड लेटर इज बॉय। द मदर इज कुकिंग द फूड, बोल्ड लेटर इज मदर। द फादर इज गोइंग टू द मार्केट, बोल्ड लेटर इज फादर। नाउ द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस 1 and 3 नेम्स अ फीमेल एंड 2 and 4 नेम्स अ मेल। यहाँ पे क्या दिया है, जो बोल्ड जो लेटर है, कलर्ड लेटर है, कलर्ड वर्ड्स है, नंबर 1 और नंबर 3 के जो भी है, गर्ल और मदर, ये फीमेल बताते हैं। ठीक है, फीमेल के नाम बताते हैं। एंड द नंबर 2nd and 4th इसमें जो बोल्ड लेटर है बॉय एंड फादर, दे टेल द नेम्स ऑफ अ मेल, वो एक मेल के नाम बताते हैं। ठीक है, पुलिंग के नाम। ठीक है, नाउ काइंड्स ऑफ जेंडर्स, टाइप्स ऑफ जेंडर्स कैसे कैसे होते हैं। एक तो मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर होता है और कॉमन जेंडर होता है। देर आर 4 types ऑफ जेंडर्स, फर्स्ट इज मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। तो पहला देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर मेल्स, ये तो ईजी है, जो वो नाउन और वो प्रोनाउन जो मेल्स के लिए होते हैं, ठीक है, नर उनके लिए होता है, दे आर सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल इज बॉय, अंकल, लायन, किंग, ब्रदर, बुल, एट्सेट्रा, ये सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट वन फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर फीमेल्स, वो प्रोनाउंस जो फीमेल के लिए होते हैं, आर सेड टू बी फेमिनाइन जेंडर। ओके, एग्जाम्पल्स आर गर्ल, वाइफ, क्वीन, काउ, वुमन, लेडी, सिस्टर, एट्सेट्रा आर फेमिनाइन जेंडर, ये सारे के सारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं। ठीक है, मादा या पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग। थर्ड वन इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दे आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर, उनको न्यूटर जेंडर कहा जाता है। विल सी द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आर ये ना तो मेल होते हैं, नाइदर मेल नॉर फीमेल, मेल भी नहीं फीमेल भी नहीं। उनके एग्जाम्पल्स देखो, नाइफ, ट्री, चेयर, टेबल, स्टोन, कप, प्लेट, ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक है, ना तो नर होते हैं ना तो मादा होते हैं। फोर्थ वन इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर नाउन्स दैट स्टैंड फॉर आइदर मेल्स और फीमेल्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर्स, ऐसे नाउन्स जो या तो मेल के लिए या तो फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब दोनों में से किसी एक के लिए यूज़ किया जाता है बार बार, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल्स आर फ्रेंड, फ्रेंड दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। पर्सन, व्यक्ति, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। गेस्ट, मेहमान, कोई भी हो सकता है। सर्वेंट, नौकर, कोई भी हो सकता है, ओके, मेल और फीमेल। नेबर, हमारे पड़ोसी, कोई भी हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। नाउ लेट्स टू डू में जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी जल्दी ले लेंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई विल अपलोड द क्वेश्चन आंसर्स PDF टुडे इटसेल्फ, सॉरी टुमारो,
आज तो टाइम नहीं है, कल करेंगे। करेक्ट ऑप्शन फॉर द बोल्ड वर्ड सी, अंकल, अंकल मैस्कुलाइन है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर इज न्यूटर, क्यों? क्योंकि चेयर नॉन लिविंग थिंग, दैट्स व्हाई। शी इज द ओनली एयरेस, अब एयरेस जो है, एयरेस का मतलब होता है वारिस, जो एयर मीन्स HER, दैट इज यूज फॉर मेल, ठीक है, मेल के लिए यूज किया जाता है एयर, HER, एयर, तो इसका मतलब होता है वारिस। और एयरेस है, एयरेस मतलब जो फीमेल वारिस है, और यहाँ पे ऑलरेडी यू कैन मेक आउट दैट हियर इट इज गिवन शी, शी इज द ओनली एयरेस, तो ये फेमिनाइन है, ओके। माय नेबर्स, और नेबर्स आर कॉमन, द बिच, बिच मतलब फीमेल डॉग, दैट इज कॉल्ड बिट बाय बिट द बेबी, द बिच बिट द बेबी, बिट इज फेमिनाइन, फीमेल डॉग इज कॉल्ड बिच। नाउ नेक्स्ट वन, पिक आउट द कॉमन न्यूटर मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर, पिक आउट करना है, और यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए हैं टाइप्स, कॉमन न्यूटर मैस्कुलाइन फेमिनाइन, यू हैव टू पिक आउट फ्रॉम हियर एंड राइट हियर, ओके। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आई विल मूव फॉरवर्ड। नाउ सी, सर्कल द करेक्ट जेंडर, अब यहाँ पे सर्कल करना है, सर्कल करना है इन द सेंस यू कैन मेक अ बिग सर्कल ऑल्सो और यू कैन टिक ऑल्सो, इट्स अप टू यू। अक्षय कुमार इज द डैश ऑफ द फिल्म हीरो, माई डैश इज रिसाइडिंग इन गर्ल्स हॉस्टल, सिस्टर, सिस्टर ही होगा ना, गर्ल्स हॉस्टल में तो सिस्टर ही जाते, ब्रदर थोड़ी जाएगा। मिस्टर शर्मा इज द डैश ऑफ द स्कूल, मिस्टर शर्मा, यहाँ पे मिस्टर है तो दैट विल बी द हेड मास्टर। अशोका वॉज अ ब्रेव किंग ऑफ इंडिया, डैश ऑफ्टन वेयर ब्यूटिफुल गाउन्स, अब गाउन कौन पहनता है, प्रिंसेसेस, अब प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब ये राजकुमार, एक से ज़्यादा राजकुमार है, प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस, ये राजकुमारियाँ इसके लिए यूज़ किया गया, नोटिस द डबल ई, सॉरी नोटिस द ई एस हियर, ओके, यहाँ पे भी ई एस है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो नोटिस दैट हियर इट इज मोर देन वन, सो दैट विल बी, गाउन्स ऑलवेज आर वोन बाय प्रिंसेसेस। विल गो अहेड, वेज ऑफ फॉर्मिंग मैस्कुलाइन, सॉरी फेमिनाइन जेंडर, नाउ फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाए जाते हैं, अब तीन तरीके हैं, देर आर थ्री वेज ऑफ फॉर्मिंग, तीन तरीके से इसी मैस्कुलाइन को फेमिनाइन बनाया जा सकता है, जैसे कि एडिंग ई डबल एस, ई डबल एस एड करने से मैस्कुलाइन का फेमिनाइन हो जाएगा। सेकेंड टाइप इज बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, एक अलग शब्द का इस्तेमाल करके, हम यहाँ पे हम लोग ई डबल एस नहीं लगाते, हियर वी यूज एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। थर्ड वन, चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, तीसरा क्या है कि किसी एक वर्ड को चेंज करना है या तो पहले या आफ्टर, बिफोर, कोई वर्ड हम लोग ने पहले पिछले इसमें हम लोग ने सीखा था प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ओके, सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स यू कैन अंडरस्टैंड, प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के पहले, बिफोर लगता है, दैट इज प्रीफिक्स, सफिक्स दैट विच कम्स आफ्टर अ वर्ड, दैट इज कॉल्ड अ सफिक्स। तो सी द सम एग्जांपल्स हियर, लायन, लायनेस, होस्ट, होस्टेस, ऑथर, ऑथरेस, पोएट, पोएटेस, मेयर, मेयरस, काउंट, काउंटेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, मैनेजर, मैनेजरेस, एयर, एयरस, जू, जूएस, ठीक है, ये सारे के सारे अभी हमारे वर्ड्स हैं, सभी में ई डबल एस लग गया बाय एडिंग ई डबल एस। नाउ सेकेंड टाइप इज बाय एडिंग ई डबल एस आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल एंडिंग, ठीक है, अब इस इन वर्ड्स में कुछ नेक्स्ट वाले जो वर्ड्स है ये वाले, इसमें एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक, यू कैन सी हियर, टाइगरस, ई यहाँ पे ऐड हो गया है, अदर्स ऑल्सो यू कैन सी ई डबल एस इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल इन द एंडिंग, वॉवेल को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, वॉवेल कौन से आपको पता है, ए ई आई ओ यू, दीज आर द वॉवेल्स। नाउ वॉवेल एंडिंग किसी वर्ड के वॉवेल के एंड में आ गया है, सपोज सी है, यहाँ पे ई डबल एस तो हम लोग ने ऐड तो कर दिया, यहाँ पे छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए, टाइग्रेस है,
यहाँ पे जो ई आया है टी आई जी ई आर का जो ई है यहाँ पे इसको कट करना चाहिए था. दिस इज अ स्पेलिंग प्रिंटिंग मिस्टेक, प्लीज़ कंसिडर इट. टाइग्रेस होना चाहिए. ओके हियर वी ड्रॉप द वॉवल, ड्रॉप द वॉवल एंडिंग, किसी वर्ड के लास्ट का जो वॉवल रहेगा उसको एंड करना है. नाउ सी हंटर हंट्रेस, यहाँ पे जो हंटर का ई आर था उसको ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे ई डबल एस डाल दिया. प्रिंस प्रिंसेस, पोर्टर पोर्ट्रेस, यहाँ पे भी ई होना चाहिए था, ई नहीं होना चाहिए था. गॉड गॉडेस, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, एक्टर एक्ट्रेस. तो ये सारे वर्ड्स हैं. कुछ वर्ड्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो देर इज़ सम स्पेलिंग मिस्टेक. हियर इट शुडंट हैव बीन ई, यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए था, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ डिजिटल फॉर्मेट, कुछ भी हो सकता है. बाई यूज ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, एक अलग ही वर्ड का इस्तेमाल करने से कोई मैस्कुलिन फेमिनाइन बनाया जा सकता है. जैसे कि बुल के जगह यूज़ किया गया है काउ, बुल का फीमेल है काउ. हस्बैंड वाइफ, कॉक हैन, किंग क्वीन, डॉग बिच, मैन वुमन, ड्रोन बी. यहाँ पे देखो ड्रोन मैस्कुलिन है, बी फेमिनाइन. नेफ्यू नीस, फादर मदर, एयर सॉरी सर मैडम, देखने में प्रॉब्लम हो गई, सर मैडम. नेक्स्ट वन इज बाय चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स जो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि प्रीफिक्स या सफिक्स को चेंज करने से कैसे बदला जा सकता है. या अभी आप देखो फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को चेंज करने से ये हो जाता है. देखो बक रैबिट, डो रैबिट. अब यहाँ पे जो रैबिट है उसको जैसे का वैसा रखा गया है. अब रैबिट के पहले जो है बक रैबिट इज द मेल रैबिट, डो रैबिट इज द फीमेल रैबिट. ओके बुल काफ, काउ काफ, काफ का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है, किसी गाय का बच्चा जो होता है. अब बच्चा अगर मेल है तो दैट विल बी बुल काफ, इफ इट इज अ फीमेल दैट विल बी अ काउ काफ. कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, स्पैरो जो है स्पैरो इज यूज्ड फॉर बोथ, ठीक है, मेल और फीमेल. कॉक स्पैरो इज द मेल, हैन स्पैरो इज द फीमेल. डॉग फॉक्स, बिच फॉक्स, अब फॉक्स का जो है वो दिया हुआ. ही बेयर शी बेयर, ही गोट शी गोट, जैकएस जेनियस, ठीक है, जैकएस जेनियस. अब ये एस मतलब डोंकी, डोंकी इज कॉल्ड एस, तो जैकएस जेनियस. मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, यहाँ पे मैन का मेड बना दिया है और वो भी सर्वेंट जैसे का वैसा. नेक्स्ट टाइप इज By changing the suffix of the word, मतलब after आने वाला, बाद में आने वाले word को change करने से भी masculine का feminine किया जा सकता है. जैसे कि देखो barman, barmaid, dairyman, dairymaid, grandfather, grandmother, washerman, washerwoman, peacock, peahen, merman, mermaid, mermaid मतलब merman, mermaid means जलपरी, milkman, milkmaid, landlord, landlady, ठीक है, landlord मतलब घर मालिक जो कहते हैं ना. नेक्स्ट वन सम अदर वेज टू फॉर्म फेमिनाइन जेंडर, कुछ अलग एग्जाम्पल्स हैं, ये थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, विल सी दैट. जेंटलमैन जेंटलवुमन, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है. देखो जेंटलमैन जेंटलवुमन, मैन होना चाहिए, यहाँ पे मैन लिख दिया गलती से. जेंटलमैन जेंटलवुमन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, पीकॉक पीहन, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, फॉक्स विक्सन. अब यहाँ पे पहले वाले में डॉग फॉक्स और बिच फॉक्स देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे फॉक्स का यहाँ पे अलग दिया हुआ है विक्सन, फॉक्स विक्सन. सुल्तान सुल्ताना, ही गोट शी गोट, मिल्कमैन मिल्कमेड. नाउ आगे वाले देखेंगे द फॉलोइंग नाउन्स आर द सेम फॉर्म ऑफ फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए ये कुछ वर्ड्स है जो हर एक के लिए सेम यूज़ किया जाता है. जैसे कि देखो सिंगर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है.
एस्ट्रोनॉट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. आर्टिस्ट कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल. चाइल्ड मेल और फीमेल दोनों हो सकता है. कुक, कजिन, ड्राइवर, जज, पेंटर, पेरेंट, पायलट, ये जितने भी हैं ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. तो बोथ आर, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया गया कॉमनली. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जेंडर. लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स नोन फॉर वुमनली क्वालिटीज एज ब्यूटी, ठीक है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जो कोई निर्जीव जो होते हैं, मतलब बिना बेजान चीज़ें, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, बेजान चीज़ें जिन चीज़ों में कोई जान नहीं होती. नोन फॉर वुमनली क्वालिटीज, जिनको हम लोग औरतों की जो खूबियाँ होती हैं, वुमनली क्वालिटीज, जैसे कि ब्यूटी, काइंडनेस, ग्रेस, फर्टिलिटी एट्सेट्रा इज यूज एज फेमिनाइन, उनको फेमिनाइन की तरह यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स नोन फॉर मैनली क्वालिटीज, ठीक है, मैनली क्वालिटीज़ के लिए जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, बेजान चीज़ों को कभी यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, ताकत, हार्शनेस, करेज, वायलेंस एट्सेट्रा आर यूज एज, इनको मैस्कुलिन की तरह यूज़ किया जाता है. लास्टली ऑल मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑफ न्यूटर जेंडर, ये बात ध्यान में रखो. जितने मटेरियल नाउन है, जैसे कि हम लोग चेयर टेबल वगैरह देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रुथ और लाय, जो भी है हम लोग इसे पहले पढ़ें, व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, तो वो जितने हैं वो न्यूटर जेंडर में आते हैं. एंड लास्टली कलेक्ट ऑल कलेक्टिव नाउन्स आर ऑफ न्यूटर जेंडर, जितने कलेक्टिव नाउन्स है, जैसे कि हमारा आर्मी है, कैटल है और बंच है, जो भी है, ये सारे के सारे न्यूटर जेंडर में ही आएंगे. ओके, लेट्स टू डू, यहाँ पे इजी है, आप लोगों को पता भी है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ. फेमिनाइन जेंडर्स, फेमिनाइन जेंडर्स जितने अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है, अंडरलाइन वर्ड्स यू हैव टू चेंज इनटू फेमिनाइन जेंडर्स एंड री राइट द सेंटेंस. सेंटेंस पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है, सेंटेंस वैसे का वैसे लिखना है, जस्ट यू हैव टू चेंज द अंडरलाइन वर्ड इनटू फेमिनाइन. तो फर्स्टली एक मैं आपको बता दूंगा, आई सॉ अ लायन इन द जू, यू हैव टू री राइट द सेंटेंस यूजिंग आई सॉ अ लायन, लायनेस इन द जू, ठीक है, लायन का लायनेस बन जाएगा एंड यू हैव टू री राइट द सेंटेंस. Now we'll go to the next part. Fill in the blanks with masculine or feminine genders of your own. ये अपने हिसाब से आपको रखना है, आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे. आपको masculine डालना है तो masculine डाल सकते हो, feminine डालना है तो feminine डाल सकते हो. The dash barked at the stranger. Dog भी लिख सकते हो यहाँ पे, bitch भी लिख सकते हो. Okay? Both. The lion and the dash were guarding their cubs. Lion and the, अब यहाँ पे lioness, already lion दिया हुआ है तो lioness लिखेंगे. The dash was dancing and the peahen was sitting on the tree. अब यहाँ पे peahen already दिया हुआ है और नाचता हमेशा peacock है. So here you can write peacock. Fourth one, dash gives us milk. Bull तो देगा नहीं और लिखना तो है हमको cow. Fifth one, the dash gives us wool, sheep. ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड द काइंड्स ऑफ जेंडर ऑफ द फॉलोइंग. काइंड्स ऑफ जेंडर, नीग्रो, अब नीग्रो में कौन सा है, नीग्रो दोनों भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. नीग्रो मतलब काले जो लोग होते हैं ना अफ्रीका के, नीग्रो इट्स अ कॉमन. अब कॉमन क्यों और न्यूटर क्यों नहीं, न्यूटर ट्राई टू रिमेंबर, न्यूटर इज यूज फॉर ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, कॉमन इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नीग्रो के लिए कॉमन रखा है. कॉक इज अ मैस्कुलाइन, प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब होता है कि कोई स्टूडेंट इस स्कूल का, कोई भी हो सकता है, गर्ल भी बॉय भी, दैट इज कॉमन. जू इट इज कॉमन, सॉरी जू और जूएस, जू जो था वो मैस्कुलाइन. नेबर इट इज कॉमन, ट्री दैट इज न्यूटर, वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मेल और फीमेल. नेचर, नेचर इज ऑल्सो न्यूटर बिकॉज इट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल, बोलते हैं मदर नेचर लेकिन कुछ भी हो सकता है. लीफ दैट इज
न्यूटर, सर्वेंट, कॉमन, मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट कोई भी हो सकता है, तो कॉमन है. एनिमी कोई भी हो सकता है, औरत मर्द कोई भी हो सकता है, सो दैट इज कॉमन. मैनेजर, मैनेजरेस इज फीमेल, मैनेजर इज मेल, सो मैनेजर यू कैन राइट मैस्कुलाइन. पीहेन इज फेमिनाइन. मार्केट दैट इज न्यूटर. मार्केट या तो मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, इट्स अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, सो यू कैन यूज एज अ न्यूटर. NEUTER. बेबी, बेबी कैन बी कॉमन, बॉय और अ गर्ल. ओके, सो नेक्स्ट वन यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. यहाँ पे आपको सारे के सारे यहाँ पे दिया हुआ, हियर इज अ मिक्स्ड लिस्ट ऑफ मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. आपको बस करना ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट अरेंज एंड राइट हियर. ओके, दैट विल बी योर होमवर्क. एंड यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग नाउन केस देखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ.